फुल फैट दूध है। शरबत में जितना फुल फैट दूध होगा उतना ही शरबत बहुत अच्छा बनता है। मैंने दूध को पहले ही बॉईल करके रख लिया था और दूध अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हुए हैं जिसे मैंने पतला कट करके रखा है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं। एक चम्मच मैंने सब्जी की बीज ली हुई है। एक कप मैं यहाँ चीनी का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ मैं फूड कलर लिया है, आप कोई दूसरा भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ आइस क्यूब लिए हुए हैं। इसमें 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करूंगी और इसे भिगो के रख दूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे साइड में रख दूंगी भीगने के लिए, ये अच्छे से फूल जाएगा। अब मैं इसमें 1 कप चीनी ऐड करूंगी। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस इसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। चीनी जो है हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें कलर ऐड करूंगी, मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसी में ड्राई फ्रूट भी ऐड कर दूंगी, इसे भी अच्छा मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट ऐसे ही पका लेंगे। सकते हैं सब्जा जो हमारा वो अच्छे से फूल चुका है। हमने जो चाशनी बना के रखी है अब दूध में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसमें। अब मैं इसमें सब्जी की बीज भी ऐड करूंगी। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें आइस क्यूब डालूंगी, अच्छे से मिक्स कर लें। बन के तैयार है हमारा मुहर्रम का शरबत। इसे आप ठंडा ही सर्व कीजिएगा। इसमें आप गुलाब की पंखड़ियाँ भी ऐड कर सकते हैं, ये उससे भी काफ़ी अच्छा दिखता है। आइए अब हम इसे गिलास में निकाल लेंगे। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।